अच्छा दोस्तों, कितना जबरदस्त आपने ये देखा स्टेप्स बने हुए हैं। ये ऊपर एक घर है जिसके तो उन्होंने स्टेप्स बनाए हुए हैं, कंक्रीट के स्टेप्स बनाए हुए हैं। मतलब है कि ये लोग बड़े सेहतमंद होंगे। वजह ये है कि एक मौसम उनको बड़ा सूट कर रहा है, मतलब है कि एग्जॉर्शन इतनी जल्दी नहीं होती, और इसी तरह जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपकी बड़ी जबरदस्त वर्जिश होती है। तो हम जो है इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। एक कैनेपी दिखा रहा हूँ जाके, ऊपर जो है ना दरख्त मिले हुए हैं। बड़ा मैं गया तो मुझे थोड़ा सा खौफ सा भी आ गया, मतलब वो प्योर जंगल का जो है ना वो दे रहा था। अब इंशाल्लाह आगे चलते हैं। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। दोस्तों अभी मैं जो है ना इवनिंग वॉक पे आ चुका हूँ। हाइकिंग की बड़ी खूबसूरत सी जगह थी, मैंने आपसे शेयर कर लेता हूँ और आपको एक व्यू दे देते हैं। फिर मैं आपसे मजीद जो है ना एक बात मैंने करनी है, बल्कि मैं कहता हूँ अभी आपसे ये बात कर लेते हैं। बात यह है कि मेरा जो चैनल था बर्ड लवर जो है ना बर्ड केयर एंड हेल्थ, उसमें जो है ना मैंने खाली मोनेटाइजेशन में थोड़ा सा उन्होंने बता दिया कि आपने कुछ म्यूजिक इस्तेमाल किया है, मतलब है कि ये फला फला, मतलब वो सब चीज़ें। तो शायद मैं एक नया चैनल बना लूँ इसके पैरेलल, सही है। तो वो जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे व्यूवर्स है, तो आपने वो चैनल भी सब्सक्राइब करना है। अभी आप लोगों ने उसका नाम बताना है कि किस, लेकिन वो मैं प्योरली जो है ना वो व्लॉग का होगा वो मेरा चैनल। इसमें वो मैंने कहा बर्ड्स, उसमें भी सारा बर्ड्स दिखाऊंगा और एनिमल्स दिखाऊंगा जो मेरे पास है। लेकिन क्योंकि आपको पता है मैं इंजीनियर हूँ, जॉब करता हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि जो है ना मैं आपको कंटिन्यूसली नहीं दिखा सकता। लेकिन एक ऐसा मौका आएगा जो कि मेरे अपने घर जो मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं, मतलब ये बहुत सारे, तो उनके केयर के बारे में, उसके संभाल के बारे में आप लोगों से टिप्स भी करूंगा। लेकिन आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करना है कि मैं एक नया चैनल बनाऊं, तो वो जो है किस नाम से हो और किस तरह हो। लेकिन बेसिक थीम उसका यही होगा कि मैंने मतलब है कि बर्ड्स के साथ व्लॉग करना है और जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, तो वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। तो आप लोगों ने फीडबैक और कमेंट करना है। आप ये देखें कश्मीर कितना प्यारा लैंड बनाया हुआ है, आपको जो है आर्किटेक्चर भी बताते हैं कि यहाँ के लोगों को रहन सहन किस तरह है, किस तरह वो घर बनाते हैं। ये उनका देखें, बिल्कुल टॉप के ऊपर आए हुए हैं, बहुत ही ऊंची जगह पे आए हुए हैं। ये देखें, ये आपको लॉन नजर आ रहा है और इस तरह ये जो है ना आर्किटेक्चर, मतलब उसका घर बनाने का स्टाइल ये है कि ये इसी तरह मतलब बनाते हैं ताकि जो है ना बर्फबारी में जो है ना इसके ऊपर बर्फ ना ठहर सके, सही है। क्योंकि बर्फ का ठहर जाना, ये अपना वजन बढ़ाते हैं जिसकी वजह से इमारत को नुकसान पहुंचता है। एक और वजह भी है, ये टिन बनाने की वजह ये है कि अगर कंक्रीट बनाया जाए तो लकड़ियां जब ये लोग चलाते हैं सर्दियों में तो कंक्रीट गर्म नहीं होता, तो नहीं, सर्दी और भी बढ़ जाती है। और टिन जो है ना इसका एक और ये आपको जो है ना जो बेसिक में जो इसका है कि मतलब है कि फ्रॉस्ट एक्शन होता है, बर्फ जो होता है जब पानी होता है, जब उसका फ्रॉस्ट एक्शन होता है तो फ्रॉस्ट एक्शन से 7% पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो जो लंटर होते हैं फिर वो क्रैक्स डेवलप कर सकते हैं। तो इस वजह से लोग ये कोशिश करते हैं कि इस तरह कॉनिकल शेप में बनाते हैं ताकि वो जो बर्फ आता है वो अपना वजन ना बना सके, उसके ऊपर स्लाइड होता रहे, सही है। अच्छा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये जो मेरे ट्रैक, जिस ट्रैक पे मैं ऊपर जो है चढ़ के आया हूँ, मतलब टॉप जगह पे, तो ये सोलिंग हो चुकी है, स्टोन सोलिंग, सही है। तो ये जो ना गद तक आई है, स्टोन सोलिंग करके आ चुके हैं, तो इसके ऊपर मतलब है कि बाद में जो है ना वो रोडा डालेंगे और फिर जो है ना टीएसटी होगा या बिट मैक जो है ना कि एसफाल्ट की एक लेयर जो है ना उसके ऊपर जो है ना लुक की लेयर जो है ना यहाँ पर डाली जाएगी, तो बहुत खूबसूरत सा है। अभी मैं थोड़ा सा और भी कुछ विजिट दिखाऊंगा, आए। अच्छा दोस्तों, आप देखें ये जगह मैं दिखाने वाला था, कितनी खूबसूरत सी, जैसे देखें ना एक कैनेपी है, जब आपके दरख्त का जो टॉप का जो होता है ना कवर होता है उसको कैनेपी बोलते हैं। देखें यहाँ से एक दूसरे के साथ जो ना शाखें मिल चुकी है जिसे कैनेपी बना रहे हैं, और नीचे जो है ना आपको जंगल का सामान मिलता है। और थोड़ा सा मैं इसके वाइल्ड लाइफ के बारे में बताऊँ, मुर्ग जरीन है, यानी पीजेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें, इवन स्नो लिपर्ड्स भी यहाँ पे देखे गए हैं, आबासपुर वगैरह एरिया में लोगों ने पकड़े भी हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है कि मुझे मैकेक बंदर यहाँ पे अभी तक नहीं मिले, हाँ, लेकिन लंगूर एक जगह पे लसडन्ना महमूद गली साइड पे जो है वो लंगूर है, इन्हें वाइट सब मुंह होता है बाकी काले होते हैं, तो वो बंदर मैंने देख चुका हूँ। आए दोस्त, आपको और आगे दिखाते हैं।